हाँ तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके टेल मी व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑलरेडी व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज द वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी। व्हाट वी हैव स्टडीड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज इन एक्सरसाइज 6.1 एंड वी हैव डन अप टू दिस क्वेश्चन नंबर 18 एंड देन इट इज रनिंग गुड। ओके नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सी व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। टेल मी सम कोई भी आप में से बोल सकता है क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग। श्रेया मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बोलेंगी। बोलिए व्हाट इज इंक्रीजिंग और व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं x की वैल्यूज के बारे में कि अगर x का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं आप ध्यान से देखो तो ये इंक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे कि अगर वैल्यू ऑफ एक्स ये जो है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली आप अगर इस कर्व पे देखो जिसमें हमने इस इक्वेशन को प्लॉट किया है इस ग्राफ पे तो आप देखो कि हमारा जो यहाँ ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं क्या कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव हमने लिया है और ये जो वैल्यू है ना ये क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी कि नेगेटिविटी यहाँ बढ़ रही है एक्स की वैल्यू घट रही है और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जब हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या देखते हैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कंसेक्यूटिव एक के बाद एक एक्स की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारा ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है यहां तक श्रेया। चलिए अब आगे आते हैं। यहां पे हमने इसी चीज को बताया है हमने अलग अलग वैल्यूज लिए थे इस इक्वेशंस के एक्स के और उसके रेस्पेक्ट में हमने एफ एक्स का वैल्यू देखा। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्स को छोटा 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 हमने लिया और हमें एफ एक्स का वैल्यू भी अगर छोटा मिल रहा हो तो हम कहेंगे दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है तो हम कहते हैं उसको इंक्रीजिंग। बट अगर दिखता है कि एक्स जो है वो बड़ा है और हम वैल्यू जो है उसको हम छोटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू को बड़ा ले रहे हैं और एफ एक्स की वैल्यू छोटी हो रही है तो हम उसे कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब इस क्वेश्चन में इस जगह पे जो x है उसको हम डोमेन कहते हैं। x क्या कहते हैं डोमेन क्योंकि हम जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वैल्यू वो x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसके डेफिनेशंस और उसके क्रिटेरिया के बारे में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि कब ये इंक्रीजिंग और कब ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखिए अगर आपने x1 और x2 कोई दो वैल्यूज लिया जिन दोनों वैल्यूज में आपने देखा कि x1 इज लेस देन x2 है यहाँ गिवन क्या है x1 इज लेस देन x2 और आप देखते हो कि अगर आपने इस फंक्शन को सॉल्व किया और fx1 जो है वो भी छोटा हो जा रहा है fx2 से तो हम इसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। हम इसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास x1 छोटा है x2 से और fx1 भी छोटा हो रहा है fx2 से तो इंक्रीजिंग। और इसी को हम उल्टा कर दे अगर यानी कि x1 x2 को मान लिया हमने कि अगर x1 x2 दो फंक्शन है लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि x1 मान लो अगर बड़ा है x2 से या छोटा है और यहाँ पे चेंज हो जाए वैल्यू समझ गए यहाँ पे वैल्यू क्या हो उल्टा हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग। समझ गए यानी अगर x1 x2 से बड़ा है लेकिन ये जो है fx1 छोटा हो जाए fx2 से
तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यह है कॉन्स्टेंट। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा कि x1 जो है वो बढ़ रहा है, समझ गया ना, क्योंकि कॉमा जब आप लेते हो तो रिलेशन नहीं होता, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि x1 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, x2, एंड हियर द रिजल्ट रिमेन सेम। तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है श्रेया? अब यहां देखो, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करें तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कब हम कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, स्पर्श कब कहेंगे हम कि ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ना तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बोलिए। चलिए एक हम इक्वेशन लेते हैं, यहां देखो, मान लिया जाए अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है, और हमने इसका जो कर्व बनाया वो कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, और एक पार्ट ये इंक्रीजिंग फंक्शन बताता है और दूसरा पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन बताता है। तो आपके पास जब एक फंक्शन जिसके अंदर इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, किस नाम से जानेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है मयंक? मतलब आपके पास यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये बिलोंग कर रहा है, मतलब केवल ये दोनों को छोड़ दो तो बाकी पूरा। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा होता कि x बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 10 तक, तो ये क्या होता, केवल ये 2 के बाद वाले हिस्से के बारे में हम बात करते और ये फंक्शन हो जाता है इंक्रीजिंग। अगर मैं बोलता कि x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे माइनस 2 से माइनस 5 तक, तो हम क्या देखते, माइनस टू से माइनस फाइव देखते, तो हम देखते यहां से यहां तक, यानी एक्स छोटा होता जा रहा है और एफ एक्स क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, डिक्रीजिंग। लेकिन जब इन दोनों को हम यूनियन ले लें, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लें, तो क्या होगा फंक्शन, श्वेता क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हो ये है वो ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि 2 एंड 10 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, स्पर्श आगे बढ़े, बोलो। चलिए अब आते हैं, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में तुम देखोगे कि जो तुम्हारा फंक्शन है वो फंक्शन के यहां पे तुम साइन को अगर गौर करो तो क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये जो इक्वल टू साइन है ना, ये वर्ड स्ट्रिक्टली को विरोध करता है, ये वर्ड स्ट्रिक्टली को नहीं कहता है, स्ट्रिक्टली को खत्म करता है। तो जब कभी भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसमें तुम यूं लगा सकते हो, इसके नीचे ये लगा सकते हो, लेकिन अगर वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब ये वाला साइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल ये साइन लगेगा। अगर वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो केवल ये वाला साइन लगेगा, ये चीज का आप ध्यान रखो। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो हम नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड दिया हुआ है तो हम नीचे का साइन नहीं लगाएंगे, दिख रहा है, बोलो। क्लियर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये दोनों चीज। अब हम आते हैं आगे और हम लोग देखते हैं इसको, अब हम लोग यहां क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन करते करते हम लोग कुछ और भी चीज कर लेंगे। देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है,
देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से हम बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थ्री, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थ्री। तो हम मेथड पहला बना रहे हैं, फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स लेंगे, तो क्या आएगा बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, बोलो श्वेता, सेवन एक्स सेवन आएगा, और ये देखेंगे कि सेवन जो है जीरो से क्या है ग्रेटर है, सेवन क्या है जीरो से ग्रेटर है, तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है। और दूसरा मेथड हम बात करते हैं, हम लेते हैं लेट एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू सेवन एक्स वन माइनस थ्री और एफ एक्स टू इज इक्वल टू सेवन एक्स टू माइनस थ्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में क्या ऑब्जर्व करोगी कि सेवन एक्स टू इज ग्रेटर देन सेवन एक्स वन, देयर फॉर एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो आप देखो कि बिगिनिंग में आपने एज्यूम क्या किया था, एक्स टू को बड़ा माना था, तो यहां एफ एक्स टू भी क्या है बड़ा है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये फंक्शन भी क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप देख करके क्या पता लगा पा रहे हो कि ये वाला पार्ट थोड़ा लेंदी हो गया, श्रेया दिख रहा है, और ऊपर वाला पार्ट कुछ ज्यादा आसान हो गया। तो हम लोगों को कौन सा फॉलो करना है, बिल्कुल, तो डिफ्रेंसिएशन वाले के लिए आप बिल्कुल ये ध्यान रखो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ द गिवन नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिफ्रेंसिएशन जीरो से छोटा हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, क्लियर है। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि हम लोग केवल नंबर नहीं आएगा, मतलब वैल्यू जो है जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल आएगा। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान दें। सी द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स। यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स क्या है यहां पे रियल नंबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तरीके से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गौर करना है इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। लेट्स सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, क्लियर है यहां पे, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर। यहां तक क्लियर है बताओ सब लोग, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहला पार्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, एंड द मोटो ऑफ दिस डिफरेंशिएशन दैट द रिजल्ट शुड बी इन द प्रोडक्ट फॉर्म। इसके जो रिजल्ट हो वो किस फॉर्म में होने चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म में, कि आप इसको जीरो से कंपेयर करेंगे और एक्स के जितने भी वैल्यूज निकल जाए निकाल लेंगे, यानी जीरोज ऑफ एक्स, ये क्यूबिक है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, केवल इतना ही रिजल्ट आएगा, यही होगा, बताओ आप लोग। अब क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करते हैं।
wait. The screen will तो हमें क्या करना है कि हमेशा जो है फंक्शंस, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके और उसके डिफरेंशिएशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और जीरो से कंपेयर करना है. क्या करना है, जीरो से कंपेयर करना है. तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, दिस इज, हाँ जी, तो यहाँ क्या होगा, 3x² - 4 और इसको हम जीरो से कंपेयर करते हैं. तो आप बताओ क्या होगा, 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर और -4/3, यही होगा. तो यहां पे क्या होगा आपके पास, एक मिनट, आई वॉन्ट टू चेक द क्वेश्चन फर्स्ट कि द क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या है. सॉरी, -3x² + 4x, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है -3x² + 4x. आप लोगों ने क्वेश्चन को बोला नहीं, बताया नहीं, यहां क्या हो जाएगा 6x और यहां क्या हो जाएगा आपका +4. क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, बोलिए श्वेता, यहां पे समझ में आ रहा है, यहां तक हमने क्या किया, यहां पे सबसे पहला काम फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया. अब चलिए हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं, तो यहां होगा x² - 2x और +4/3. अब देखो ध्यान से, आप यहां पे हमें फैक्टराइज करने के लिए ये a² - 2a भी दिया हुआ है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे कि एक बार +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × x - 1² और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो आ जाएगा केवल +1/3. और जैसे कि आपको पता है दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जीरो से. अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो वो मुझे टोक सकता है, पूछ सकता है. मयंक, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पूछिए. मयंक, ये देखिए 4/3 और -1 को जब सॉल्व किए तो हमारा रिजल्ट आया है 1/3, इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है 1/3. तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं. अब देखिए, ये पहले हम 3 को 0 के साइड में भेजते हैं तो 0 ही रह जाता है, और x - 1 के होल स्क्वायर को अकेला अगर लिखेंगे तो +1/3 आ जाएगा, यहां पे क्या -1/3. एक मिनट, यस, दिस इज, इसलिए नहीं आना चाहिए, दिस शुड बी +1 - 1 1/3. तो यहां पे जो हमारा वैल्यूज आने वाला है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो हमें ये प्रूव करना है, इसको जीरो से इक्वल आप करके तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, पर जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो नंबर जीरो से बड़ा आ रहा है. एक बात बताओ कि ये नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर जीरो के बड़ा या बराबर होता है, ये पता है आपको, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. क्लियर है बच्चों, बोलो. तो अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें अगर कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ दो तो इधर भी आपको पॉजिटिव नंबर जोड़ना पड़ेगा. श्वेता, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो टोको, मैं बैग जाके बताऊंगा आराम से. चलिए,
गुड, देखिए यहाँ पे तो हमें बस ये दिखाना है कि एफ डैश एक्स जो है ना वो जीरो से बड़ा हो। तो हमने देखा कि ये नंबर तो स्क्वायर हो गया, जहां माइनस का साइन है वो नंबर तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर तो जीरो से बड़ा होगा और उसमें हम जोड़ दे रहे हैं 1/3। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर हम स्क्वायर नंबर लेते थे तब वो क्या है जीरो से बड़ा आता था, लेकिन जब ये 1/3 हम दोनों में ऐड कर दिए तो क्या हो गया, अब हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा, और अगर ये जीरो से ग्रेटर होगा तो क्या हो गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आपको जो है इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि नंबर क्या है जीरो से ग्रेटर है। क्लियर है, बोलिए, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। हम लोगों ने इसी को कुछ बड़ा करके अलग अलग हमने यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से ये 1/3 को ऐड किए, किस तरह से हम वैल्यू लिए, पर क्वेश्चन में पार्ट यही था, हमें बस यही पार्ट दिखाना था कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हमें दिखाना है कि दिस नंबर इज फंक्शन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसको हम आराम से बनाएंगे और उसके बारे में एक एक चीज को पढ़ेंगे, और आपको कहीं से कोई गलती ना हो इसलिए हम इसको रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं कि आपको इससे जो है कहीं से कोई मिक्सअप नहीं हो, मैच नहीं करे, आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए पहला काम क्या है हमारा, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या जो भी है, ये अलग अलग तीन कोऑर्डिनेट है, तो आप बताओ इसको कैसे करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो स्टेप वन में क्या करना है बताओगी श्रेया, तुम स्टेप वन में क्या करोगे, एफ डैश एक्स लो तो क्या आएगा कॉस एक्स का, करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस का वैल्यू है, याद रखना माइनस का वैल्यू है, ये बताओ जीरो टू पाई का मतलब क्या होता है, कौन कौन सा क्वेडेंट आएगा इसमें जीरो टू पाई में, तो फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये बताओ कि साइन एक्स जीरो टू पाई पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये बताओ मुझे आप कि साइन जो है वो वाई एक्सिस को लेते हैं या एक्स एक्सिस को लेते हैं, जी नहीं वाई, साइन जो है वो किस में बिलोंग करता है, साइन जो है वो वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, और जीरो टू पाई ये एंगल है, ये है समझो जीरो और यहां पे आ गया पाई, और ये क्या होता है वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे क्या है माइनस का साइन है, मतलब पॉजिटिव के आगे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। क्लियर है, देखो केवल अगर साइन एक्स होता तब हम इंक्रीजिंग बोलते हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होता है, पर यहां इसके आगे क्या है नेगेटिव का साइन है, इस वजह से आपके पास जो साइन एक्स के रिजल्ट मिलेंगे, जो आपको रेंज मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, कौन से इंटरवल के बीच में, जीरो से पाई के बीच में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है यहां तक स्पर्श, मयंक, श्वेता, श्रेया, क्या बोलिए, ठीक
बिल्कुल, कॉस तो हमारा फंक्शन का फॉर्मूला है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया हमारा साइन एक्स, और साइन एक्स में हम देख रहे हैं कि आगे माइनस का साइन एसोसिएटेड है, तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव भी हुआ तो ये माइनस के साथ लग के वो निगेटिव हो गया, और निगेटिव अगर रिजल्ट आ रहा है डिफरेंशिएशन का मतलब द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्लियर है। अब देखो, अब हम बात करेंगे पाई और टू पाई, पाई टू पाई के बीच का, यानी 180 डिग्री टू 360 डिग्री, और इसके बीच में साइन जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बोलो वाई एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि जब ये नेगेटिव होता है और बाहर क्या साइन है, बाहर का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कब होगा ये पाई टू टू पाई के इंटरवल में, समझ गए। और ये जब पॉजिटिव होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग, हम इसे क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग, जबकि जीरो टू पाई के बीच में जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे माइनस आ रहा था यहां पे, आई थिंक इंक टू सेप दैट मिक्स द वन नोट टू हैंग, ये जो है दिक्कत आ रही है इससे क्योंकि अभी इट इज नॉट इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग, कोई बात नहीं, आई विल नॉट सेलेक्ट दिस। सी, तो जीरो से पाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जहां पे ये दोनों जो है आप जब इसको देखते हो कि साइन क्या आएगा तो आपको पता चलता है कि इसका साइन पॉजिटिव होने के बाद भी, हाँ निकाल रहा हूँ मैं उसको, क्लिक किया हूँ, बट आप लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में और बात करूँ, मैं इसको स्ट्रीम करने की भी आज पहली बार कोशिश किया हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को, सो आई विल सी द क्या किस तरह से ये आ रहा है। चलिए, तो यहाँ हमने देखा कि जब भी जीरो टू पाई हमने ऑब्जर्व किया है कि जीरो टू पाई हमने लिया है तो आगे का माइनस का साइन और साइन एक्स का पॉजिटिव साइन रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है तो हमने इसको कहा डिक्रीजिंग, लेकिन नीचे वाले में हमने क्या कहा पाई टू टू पाई तक हमने क्या कहा इसको इंक्रीजिंग, और अब हम दोनों को कलेक्ट कर ले रहे हैं जीरो टू टू पाई कर ले रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा, जब जीरो टू टू पाई जब आप करोगे तो क्या होगा आंसर, बोलो निदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा निदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ पार्ट है ये, अब देखो साइन किस तरह से बिहेव कर रहा है दूसरे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हम नहीं देख रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं जो दिया हूँ जो आपको कल का जो वीडियोस दिया हूँ वो आज जरूर देख लेना, क्योंकि अब आपके पास उसके वैल्यूज क्लियर हो जाएंगे, अब जो है आपके पास उसके वैल्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को आपको बताने भी वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाओगे, तो मैंने जो जो बनाया है एक बार ध्यान से देख लो। पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6x² और +30 है, तो मैंने इस +30 को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे, बोलो। अच्छा ये बताओ स्क्रीन जो है आप लोगों को क्लियर दिखता है या ब्लर दिखता है, जैसे मैं जूम किया तो ये स्क्रीन मेरे सामने विजिबल है, क्लियर है एकदम, लेकिन आपके सामने ये कितना क्लियर है आई एम नॉट श्योर, तो मुझे बताओ विजिबल है पूरा। चलो अब देखो, कभी अगर ऐसा हो तो आप टोकना, यहां देखो, तो सबसे पहले आप ध्यान दो यहां पे कि फंक्शन का हमारे पास ये वैल्यू है, लेकिन आप कह रहे हो ना कि सर आप क्या करो कि इस फंक्शन को मतलब इसमें देखो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, इसको सॉल्व भी कर रहे हैं और सॉल्व करके हमको इंटरवल ढूंढना है, किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा यानी इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, ये सब बताना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे f डैश x लेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम
डिफरेंशिएशन लेंगे, तो हमने यहां डिफरेंशिएशन ले लिया। दूसरा काम करेंगे हम इसे फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमने इसको क्या किया फैक्टराइजेशन किया। अब जो है हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आया उस फैक्टराइजेशन को जीरो से कंपेयर करेंगे और जीरो से कंपेयर करने के बाद एक्स का आपके पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस टू जो प्लस टू वाला दिया वैल्यू और एक आएगा माइनस थ्री से थ्री। तो क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमने क्या किया फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके हमने एक्स के वैल्यूज निकाले जीरो से कंपेयर करके। तो अगर ये दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो फंक्शन, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने जीरो से कंपेयर किया और जीरो से कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्स के एक दो तीन जितने भी वैल्यू आ रहे हैं वो सब वैल्यू को लिखे। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखना है ध्यान से, हमें क्या करना है एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जो आपको यहां दिख रहा है और इस नंबर लाइन पे ये नंबर लिखना है माइनस टू और ये नंबर लिखना है माइनस थ्री। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्लियर है? बोलो। देखिए एक हमने माइनस टू लिखा, फिर हमने क्या लिखा थ्री लिखा, तो ये दोनों वैल्यू आपका अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहां पे दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, यह आपका पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट, यह आपका दूसरा हिस्सा सेकंड पार्ट और यह आपका तीसरा हिस्सा थर्ड पार्ट। यानी आपके पास तीन अलग अलग इंटरवल मिल रहे हैं। एक इंटरवल मिल रहा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, एक मिल रहा है आपको माइनस टू टू थ्री और एक मिल रहा है आपको थ्री टू प्लस इंफिनिटी। समझ में आए यहां तक? तो आगे बढ़ेंगे। बोलो अब देखिए ध्यान से, यहां हमें क्या करना है कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है माइनस टू और माइनस इंफिनिटी के बीच का। कोई नंबर बताओ तो श्रेया, माइनस टू और माइनस इंफिनिटी के बीच का एक नंबर बताओ। चल अब हम क्या करेंगे कि एफ डैश माइनस थ्री का वैल्यू निकालेंगे, यानी हम एफ डैश एक्स में इसमें हम माइनस थ्री का वैल्यू निकालेंगे। और निकालने का तरीका देखो, अगर आप पूरे इक्वेशन में डालोगी ना तो डिफरेंट होगा। यहां देख लो 12x-3x+2। तुम बताओ x के जगह अगर आप माइनस थ्री डालोगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस सिक्स आएगा, माइनस आएगा ना। अच्छा, और इस x के जगह अगर आप माइनस डालोगे माइनस थ्री तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो यहां पे लिख दो प्लस और डायरेक्टली बोल दो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल दो? डायरेक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि आपके पास यहां जो नंबर आने वाला है वो नंबर आने वाला है पॉजिटिव में कोई भी नंबर, और वो क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा। पॉजिटिव में यहां पे कोई भी नंबर होगा बट वो नंबर क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा। तो हमारे लिए जो नंबर है उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए वैल्यू किसका है केवल और केवल ये पॉजिटिव साइन का। समझ गए? हमारे लिए जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है केवल इस पॉजिटिव साइन का हमारे लिए वैल्यू है। और हमने यहां पे सॉल्व किया तो हमने देखा जो भी नंबर आ रहा है वो माइनस सिक्स आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। हमने इसको सॉल्व किया तो आया माइनस वन, यानी हमें माइनस में आ रहा है। और हम जान रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव अगर है तो वो क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है वो? इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू के बीच। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? मैंने आसान तरीका बताया मयंक,
मैं नंबर को लेके पूरा बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको आप इसमें सॉल्व करो, इसमें नहीं करना है आपको सॉल्व, आपको x का जो वैल्यू आपने लिया है वो केवल इसमें सॉल्व करना है, समझ गए? तो आपको केवल इसमें सॉल्व करके दिखाना है कि किस तरह से आपके वैल्यू के साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में, दूसरे इंटरवल के पार्ट में। आप बताओ कि एक हम नंबर लेंगे इस इंटरवल से, बोलो क्या नंबर लेंगे, बताओ। श्रेया, वन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास फिर से वही है, हमारा इक्वेशन क्या है भाई, देखते हैं। तो एफ डैश वन जब लेंगे तो यहां आ गया 12, ये पॉजिटिव है तो इसको छोड़ दो, मत लिखो, यहां पे पॉजिटिव लिख दो इनटू। अच्छा, एक्स माइनस थ्री में जब हम वन पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा साइन की नेगेटिव, चलो हम नेगेटिव लिए। अच्छा, अब यहां पे वन लेंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और इस टोटल का रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और नेगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। तो आप बताओगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बिल्कुल सही जवाब, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये क्लियर हो रहा है आप लोगों का, बोलो ये जो है आपका क्लियर हो रहा है? मयंक, क्लियर हो रहा है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड वाले के बारे में और हमारा जो नंबर लेना चाहिए। एक चीज आप गौर किए हो कि मैं जो इंटरवल सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपके लिए इंटरवल सेलेक्ट किया है वो है 3 से लेकर के इन्फिनिटी, हमने किया था -2 से लेकर के 3 और हमने किया था -∞ से लेकर के -2। और जब नंबर लेने की बारी आई तो हमने कभी भी -2 और 3 नहीं लिया, हमने क्या किया, इसके बीच का नंबर लिया, क्योंकि ये जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल और इसमें हम लोग ये दोनों को छोड़ के लेते हैं। तो आप बताओ इसमें हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, बोलो तुम ही लोग। एफ डैश 4 लेंगे तो बताओ, पहला साइन तो प्लस है, अब क्या होगा, एक्स माइनस 3 में जब आप 4 पुट करोगे एक्स के जगह पे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 4 माइनस 3 प्लस होगा कि माइनस? और यहां पे जब 4 लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो यहां फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का गेम समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए श्रेया, इज इट क्लियर, बताओ। तो आपका क्लियर हुआ स्पर्श? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 मार्क्स से 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा और बिल्कुल बिल्कुल पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन आएगा। व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन राइट ऑन पेपर, यू कैन से जस्ट आफ्टर द एग्जाम कि एक क्वेश्चन इससे आएगा आएगा, जो होगा आपका यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड द रिस्पेक्टिव इंटरवल ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है, जो नंबर में आपके क्लोज इंटरवल में दिखाना है। इसके पहले जब मैंने आपको रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम बताया था तो हमने आपको यही पार्ट बताया था कि जब कभी भी एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा वो हमेशा लाई करेगा इस इंटरवल के बीच में, क्लियर है, याद है? और यहां भी हमारा इसी इंटरवल के बीच के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम साइन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट साइन व्हेन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द नंबर पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ द साइन इज पॉजिटिव देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ द साइन इज नेगेटिव देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। पर अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूं, सेम यही क्वेश्चन है, आप बताओ कि ये इंटरवल आपको मैं दे दिया कि एक्स, इस क्वेश्चन में मैं बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्लियर करो नेचर ऑफ द फंक्शन बताओ। जब मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, अब मैं आपको बोल रहा हूं कुछ भी देखना नहीं है, बस ये इक्वेशन देखना है और ये जो हमने आपको इंटरवल दिया है वो देखना है,
और आपको बताना है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, प्लीज क्लियर इट, बोलिए क्या होगा फंक्शन, बताइए, बहुत लेट लग रहा है, स्पर्श जल्दी बताइए, मयंक श्वेता संजोग बोलिए प्लीज आंसर मी क्विकली, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप, हाँ जी बताओ क्या होगा ये, बोलो बोलिए बोलिए, तो ये फंक्शन में आपने देखा कि डिफरेंट इंटरवल में ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे हम, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शंस दोनों तरह के नेचर दिख रहे थे, इंक्रीज भी कर रहा था और डिक्रीज भी कर रहा था, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्लियर है, हाँ बोलिए, एक मिनट